सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज मेरे सामने है सियाज का अल्फा मॉडल, टॉप मॉडल। मतलब रियलिटी में एक ऐसी प्रैक्टिकल सेडान है ये, स्पेस, कंफर्ट, फीचर, जो चीज़ बोल लो आप इसके अंदर मिलेगी आपको। और एक प्रैक्टिकलिटी जो कहते हैं ना सेडान की, आज की डेट पे वरना इसकी कंपटीशन में आती है, बट उसके अंदर फ्रंट रो में तो स्पेस बहुत है बट रेयर में नहीं है। यहाँ पे फ्रंट रो में भी स्पेस है, रेयर में भी स्पेस है, प्रैक्टिकलिटी के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो एक बेसिक नीड के फीचर हैं। और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका बन जाता है सिग्मा। बेस मॉडल ही इसका इतना वैल्यू फॉर मनी है कि अगर किसी को एक सिर्फ सेडान लेनी हो, फीचर्स का इतना वो ना हो, बस सेडान के शौकीन हो वो पर्सन, तो ज़रूर से इसके बेस वेरिएंट पे जा सकता है। बट किसी को अगर सेडान पसंद है बहुत ज़्यादा और साथ ही साथ उसे फीचर भी चाहिए, तो वो इसके टॉप मॉडल में जा सकता है। इसी टाइम मेरे सामने अल्फा मॉडल खड़ा है बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ, तो चेकआउट करते हैं इसके सारे अच्छे फीचर्स क्या इसके अंदर हमें मिलता है मारुति की तरफ से आज की डेट में 2023 के अंदर जो ये सियाज है। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं इसका इंजन, जो एक मेजर चीज़ है कार को पावर देने के लिए। अगर मैं इसका इंजन देखूँ, अगर आप हुड देखो तो काफ़ी लंबा हुड है इसके अंदर, और 1500 cc का प्रॉपर इसके अंदर चार सिलेंडर इंजन मिलता है। तो स्पेसिफिक बताऊँ तो 1462 cc है और 104 bhp और 138 Nm का टॉर्क निकालता है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें प्रॉपर इंसुलेशंस मिल जाती हैं, बैक साइड भी प्रॉपर इंसुलेशंस हैं, और अंडर द जो इंजन है कोई भी आपको इसके अंदर जो क्लाइडिंग है, कवरिंग है, वो नहीं मिलती। थोड़ी बहुत कवरिंग इस साइड मिल जाती है बट एग्जैक्ट नीचे कोई भी कवरिंग प्रोवाइडेड नहीं है कंपनी की तरफ से। हुड भी काफ़ी हैवी है इसका और एक प्रॉपर हैवी लुक इसके अंदर हमें ऑफ़र कर दिया जाता है। अगर मैं हेडलैम्प की बात करूं तो इसके अंदर हमें प्रॉपर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। इंडिकेटर हमें यहाँ पे मिल जाता है, DRL का यहाँ पे हमें प्रोविज़न मिल जाता है। नीचे की तरफ हमें प्रॉपर फॉग लैम्प मिलता है LED में, और चारों तरफ हमें इसके अंदर क्रोम की कवरिंग मिल जाती है। ऊपर की तरफ भी है, हेडलैम्प के अंदर हमें एक क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, और साथ ही साथ जो इसके अंदर ग्रिल है वो ग्रॉसी फिनिश के अंदर आती है, ऊपर और नीचे क्रोम के साथ, और बीच में सुजुकी का लोगो, तो कुछ ऐसा इसके अंदर बढ़िया सा लुक निकल के आ जाता है फ्रंट में। अगर मैं साइड लुक की बात करूँ तो साइड लुक भी उतना ही इम्प्रेसिव है जितना फ्रंट लुक है। काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस वाली सेडान है, मतलब कंफर्ट के मामले में प्रॉपर अच्छी खासा कंफर्ट स्पेस आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर मैं व्हील साइज़ की बात करूँ उसके अंदर 15 इंची के हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें जो ग्रिपिंग मिलती है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रेयर में ड्रम ब्रेक मिलता है, और अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ इसके अंदर हमें 15 इंची के अलॉय व्हील मिलते हैं, जो काफ़ी एक नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है सेडान के हिसाब से। और साथ ही साथ अगर इसकी आपने स्पोर्ट्स वाला वर्जन नहीं देखा तो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और चैनल पे पोस्टेड है वीडियो जो इसका एक स्पोर्ट्स वर्जन है सियाज का, सियाज S, तो वो आपको चैनल पे दिख जाएगा, आप जाके उसको भी देखें। जो एक स्पोर्ट्स टाइप सेडान लेना चाहते हैं तो कंपनी उनको वो भी बना के दे रही है, और इससे बिल्कुल ही अलग है वो कार। मतलब रियलिटी में जो ये अल्फा मॉडल है इससे भी एक ऊपर मॉडल आता है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इस टाइम पे सब सोचते हैं कि यही इसका टॉप मॉडल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलता हमें, तो वो गलत फहमी है। इसके ऊपर हमें मिल जाता है सियाज S, जो अल्फा का भी मतलब सबसे ऊपर है। जो चीज़ इसके अंदर नहीं दिख रही ना आपको, वो उसके अंदर दिखती है। तो उसके पहले आप जाके उसको चेकआउट करें, और जिसको अगर एक स्पोर्ट्स सेडान लेनी हो तो वो ज़रूर से उसको देख सकता है जाके, काफ़ी पसंद आएगी उसे, क्योंकि डिफरेंट लुक है सियाज का उसके अंदर। तो साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमें ORVM मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ। इंडिकेटर इसको नीचे की तरफ मिलता है, मिरर आपको अंदर से एडजस्टेबल ही मिलते हैं। क्रोम की लाइनिंग आपको यहाँ पे, तो क्रोम की लाइनिंग हमें नीचे मिल जाती है विंडो के, क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, और की सबसे बड़ी बात अनलॉक लॉक करने के लिए उसके अंदर हमें की मिलती है, वो कुछ हमें ऐसी की मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम की है। मतलब मारुति को ना अपनी सारी गाड़ियों में यही की कर देनी चाहिए, वो ब्लैक कलर की हटा के। और इसके अंदर हमें लॉक अनलॉक और बूट का ओपन मिल जाता है, पीछे से कुछ ऐसी लगती है, फ्रंट लुक कुछ ऐसा इसके अंदर हमें मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम की है ये, अगर यही की प्रॉपर हर गाड़ी के अंदर वो देने लग जाएं तो एक जो प्रीमियम सेटिस्फैक्शन है ना चाबी की भी, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक टॉप मॉडल के अंदर कुछ ऐसी ही शानदार सी की मिलनी चाहिए। पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी को वो की पसंद है, किसी को ये, मुझको ज़्यादातर मुझे ज़्यादा ये पसंद है की, क्योंकि इसके अंदर एक प्रीमियमनेस आपको मिल जाती है। प्रॉपर जो कीलेस एंट्री है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, को ड्राइवर ड्राइवर साइड दोनों साइड। ज़्यादातर कंपनियाँ सिर्फ ड्राइवर साइड सेंसर देती हैं, बट मारुति की ये खास चीज़ है कि वो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड सेंसर आपको प्रोवाइड कर देती हैं। ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखें तो काफ़ी एरी, और आपको एक अच्छा फील आएगा कार के अंदर बैठ के, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, जो एक मेजरली कंसर्न रहता है लोगों का कि यार केबिन बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, दम घुट रहा है, वो चीज़ आपको मारुति की लगभग
किसी भी गाड़ी में फील नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अगर मैं साइड लुक के बाद अगर बैक लुक की बात करूँ, तो बैक लुक में जाते जाते सबसे चीज़ जो इसकी अच्छी लगती है वो इसके टेल लैम्प्स हैं, जो काफ़ी एक LED फिनिश के साथ आते हैं। अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रिप है वो LED में प्रॉपर जलती है। नीचे अगर मैं बात करूँ तो इस साइड हमें इंडिकेटर मिल जाता है और रिवर्स लैम्प यहाँ पे हमें प्रोविजन के साथ मिल जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी इफेक्टिव माइलेज निकाल देती है। सेंटर में काफ़ी थिक क्रोम लाइनिंग हमें मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, CS की बैजिंग, कोई भी मॉडल की बैजिंग आपको नहीं मिलती। बम्पर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर, और साथ ही साथ आउटर में इनके अंदर हमें क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। अगर हम बात करूं ऊपर की, तो इसके अंदर हमें कोई वाइपर का प्रोविजन नहीं है। सेडान्स के अंदर वाइपर नहीं आता, सिर्फ आपको मिरर के अंदर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, नेक्सा की हमें यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। तो अगर हम देखें ऊपर की तरफ, बूट खोलते हैं इसका, तो बूट काफ़ी अच्छे तरीके से खुल जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें कैमरे का प्रोविज़न मिल जाता है। जो पार्किंग लाइट्स हैं, नंबर प्लेट लाइसेंस लाइट्स, वो हमें येलो में ही मिलती हैं, और 510 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। यार रियलिटी में इसके अंदर एक आराम से बंदा बैठ सकता है, मैं पूरा का पूरा इस डिक्की के अंदर आराम से घुस के बैठ सकता हूँ, इतनी बूट स्पेस है। और कॉस्ट कटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब फेंडर लाइनिंग में यहाँ पे लोग ज़्यादातर बेस मॉडल के अंदर भी कॉस्ट कटिंग करते हैं, टॉप मॉडल में भी करते हैं। यहाँ पे मारुति ने एटलीस्ट एक लो क्वालिटी का मैं बोलूँ, बट एक ढका तो है ना, नहीं तो यहाँ पे तो कंपनियाँ भूल ही जाती हैं कि ट्रंक भी कोई ऐसी एक चीज़ है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसके अंदर हमें डिज़ाइन मिल जाता है, ऊपर हमें लैंप भी मिल जाता है। कल को आप हेलोजन को इसके अंदर LED में कन्वर्ट करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। 510 लीटर मतलब यार मान लो कि 4 सूटकेस बड़े बड़े आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। और रियलिटी में अगर मैं इसका स्टेपनी टायर आपको दिखाऊं, तो स्टेपनी टायर का प्रोविज़न भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। प्रॉपर 15 इंची का ही हमें स्टेपनी टायर मिलता है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो R15 का ही इसके अंदर स्टेपनी टायर मिलता है, जो इसके अंदर टूल रखने के लिए भी उन्होंने प्रॉपर थर्माकोल की क्लाइडिंग्स दे रखी हैं, कि जिसकी वजह से आप अपना टूल वूल रख सकें, और काफ़ी एक अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके अंदर जो साथ में एक चीज़ आपको और मिलती है, जो मैंने हाल फिलहाल में नोटिस करी, आप इसको यहाँ से उठाएंगे और अगर आपका जो स्टेपनी टायर है वो पंचर हो जाता है, तो आप यहाँ से इसको अटका सकते हैं, क्योंकि लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक हुक भी दे रखा है, अगर आप अब देख रहे होंगे, कि अपना स्टेपनी टायर जो है वो आराम से आप इन एंड आउट कर सकें, आपको बार बार ये निकालने की दिक्कत ना हो, सिर्फ आप इसको ऊपर ही टक कर सकें, और जब काम हो जाए तो छोड़ दो, दैट्स इट। अब इसका एक बार चेक करते हैं, और ऊपर की साइड भी इन्होंने यहाँ पे भी प्रॉपर क्लाइडिंग दे रखी है, चाहे थोड़ा लो क्वालिटी है, प्लास्टिक नहीं है, बट फिर भी मैं कहता हूँ यार मारुति कम से कम इतना सोच तो रही है। जहाँ अदर ब्रांड्स में कॉस्ट कटिंग हो जाती है, वहाँ यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी की, तो की के अंदर भी आपको एक फ़ीचर मिलता है, कि आप अगर इसका ये थर्ड बटन प्रेस करके रखेंगे, तो बूट अपने आप लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ भी है, मतलब CIS के अंदर ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनर आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लोज़ आपको करना पड़ेगा, बट अगर आप दूर खड़े हैं थोड़ा एक मिनिमिस्टिक डिस्टेंस पे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप खुल गया। मतलब यार कोई पास जाए तो आप मारुति के अंदर ऑटोमेटिक आपको ट्रंक ओपनर भी मिल जाएगा इसके अंदर, तो क्या चीज़ है। मतलब यार अगर किसी को सेडान लेनी हो, ये मारुति ने इतना अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन रखा है कि अपने आप इसका जो ट्रंक है वो ओपन हो जाएगा, अगर आप इसकी थर्ड की का थर्ड बटन प्रेस करके रखेंगे। तो ये एक इफेक्टिव फीचर्स होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के, और एक उनकी प्रीमियमनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर मैं देखूं साइड में, तो उसके अंदर हमें 43 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, इनफ है इस कार के लिए। माइलेज काफ़ी अच्छी निकाल देती है। जो कस्टमर्स हैं, प्री ओन्ड कस्टमर्स हैं, उनसे मैंने पता किया है, तो सिटी में 15-16 आराम से निकाल देती है, अगर आप थोड़ा रफ़ ड्राइव कर रहे हैं। अगर यही आप थोड़ा आराम से इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपको 19 तक की माइलेज भी निकाल के देगी, और हाईवे पे ये 20 से ऊपर आराम से चले जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे, कि आप कैसे कार को ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ था बाहर से इसका आउटलुक, कि क्या इसके अंदर हमें बाहर से फीचर्स मिलते हैं। तो चेकआउट करते हैं अंदर से हमें कितनी प्रीमियम ये CIS मिल जाती है। तो अगर मैं डोर पैड की बात करूँ, तो कितना ही प्रीमियम डोर पैड लग रहा है, मतलब ये लग रहा है मारुति का डोर पैड। इनफैक्ट ऐसा डोर पैड ना ज़्यादातर हमें मर्सिडीज़ में देखने को मिलता है, वुडन टच, प्रॉपर एक सिल्वर लाइनिंग, क्रोम अनलॉक लीवर, चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्टमेंट, फोल्डेबल, सब कुछ। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखो, तो प्रॉपर सॉफ्ट टच यहाँ मिलता है आपको। और नीचे बात करूँ, तो इसके अंदर 1 लीटर की पानी की बॉटल मिल जाती है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट होल्डर मिलता है, स्पीकर मिलता है, 4+2 का सेटअप मिलता है। अगर आप यहाँ देखें, तो एक ट्विटर मिल जाता है आपको, यहाँ स्पीकर मिलता है। तो फ्रंट में आपको कॉम्पोनेंट मिल जाते हैं ट्विटर प्लस स्पीकर का, और रेयर में आपको सिर्फ कोएक्सल मिलता है। तो ये कुछ था इसका डोर पैड का लुक। अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड एक लुक में आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा बाहर निकल के। तो ये कुछ इसके अंदर हमें डैशबोर्ड मिल जाता है,
काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड है। मतलब यार कोई बोलेगा कि ये एक मारुति की गाड़ी है, रियलिटी में अगर ये बैजिंग छुपा दो ना उसके बाद इतना आसानी से कोई पहचान नहीं पाएगा ना बोल पाएगा कि एक मारुति का स्टफ़ है इस टाइम पे जो मार्केट में आपको ऑफर हो रहा है। और रियलिटी में अगर आप देखो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना शानदार है, इसका जो स्टेयरिंग का लुक हमें मिल जाता है वो कितना इफेक्टिव है, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें और बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। अगर हम यहाँ को ड्राइवर साइड देखें तो उसके अंदर हमें आप कुछ वॉलेट की जगह मिल जाती है या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ बात करूँ तो ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ का, फॉग लैम्प का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, और हेडलाइट नेबुलर का। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो हमें मिल जाता है ट्रंक ओपनर, सीधा आपको जैसे मैंने की से ओपन करके दिखाया था तो वो यहाँ से भी ओपन हो जाता है। नीचे हुड का ओपनिंग हमें मिल जाता है, फ्यूल लिड हमें यहीं पर मिलती है। ये अगर और यहाँ पर कर दिया जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। पुश स्टार्ट ड्रॉप बटन आपको मिल जाता है क्रोम लाइनिंग के साथ। और अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर लेदर राइड स्टिच हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर हमें ऑफर होता है। माउंटिंग बटन हमें मिल जाते हैं क्रोम लाइनिंग के साथ तीनों तरफ, और हमें यहाँ पे मिल जाता है राइट एंड लेफ्ट एंड साइड मीडिया कंट्रोल्स। नीचे की तरफ हमें मिल जाता है वॉइस कमांड कंट्रोल्स और कॉल काटने और एंगेज करने का, और साथ ही साथ हमें इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। मतलब आपको क्रूज कंट्रोल भी मैनुअल गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मतलब कोई कोई बोलता है कि यार ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी का फीचर है, मैं मानता हूँ, बट अगर आपको मैनुअल गाड़ी के अंदर भी ऑफर किया जा रहा है तो एक प्रैक्टिकलिटी वाला फीचर है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी कार चला रहे हैं हाईवे पर तो हाँ ये यूज़ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल गाड़ी वाले यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। अच्छे गियर पे अगर आप अपनी कार को क्रूज करेंगे तो माइलेज भी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ आपका एक इफेक्टिव जो कंफर्ट है क्लच और ब्रेक से बार बार प्रेस करने का वो एक बचेगा, और आपको आराम से थोड़ी देर के लिए एक रिलैक्समेंट मिल सकती है क्रूज कंट्रोल के साथ। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मेरे को लगती है जो मारुति ने ऑफर करी है। अगर मैं वाइपर कंट्रोल्स की बात करूँ तो हमें नॉर्मल वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल्स इसके अंदर नहीं मिलते। हेडलैम्प्स हमें ज़रूर से ऑटोमेटिक मिल जाते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ अगर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो कुछ ऐसा इसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एक बार इसे ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन किया मैंने तो ये जो मिरर्स थे ये अनफोल्ड हो गए, क्योंकि उनको मैंने यहाँ पे कमांड दे रखी थी अनफोल्ड करने की। तो कुछ ऐसा इसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। मतलब इतनी सारी लाइट्स के साथ ना काफ़ी प्रीमियम लगता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में। और आरपीएम मीटर हमें मिल जाता है लेफ्ट एंड साइड 8000 की टॉप आरपीएम के साथ, और इधर अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो 220 की टॉप स्पीड के साथ हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है। अगर आप इस टाइम में देखें करंट फ्यूल इकोनॉमी तो 12-13 की माइलेज तो ये अभी दिखा रही है। मतलब अगर मान के चलो आप ये शोरूम पर अपने हिसाब से चलती है कार आगे पीछे जैसे मर्जी वो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर ये 13 की माइलेज दे रही है तो आपको ये आराम से सिटी के अंदर 15 तक की माइलेज ऑफर कर देगी। ऊपर की तरफ हमें ग्रीन लाइनिंग मिलती है, उसका भी एक मतलब है, ऐसे शो के लिए नहीं दे रखी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी एक इकोनॉमिकल लेवल पे चल रही है, मतलब एक स्पीड जो है वो एक मेंटेन है अच्छी स्पीड, जिसकी वजह से कार के अंदर जो माइलेज है वो कंसर्न डाउन ना हो और ग्राफ ऊपर ही बढ़े। अगर मैं बात करूँ टॉगल स्विच की तो ये भी मारुति को यार चेंज कर देना चाहिए टॉप मॉडल्स के अंदर एटलीस्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आइडल जो उसका फ्यूल है वो भी यहाँ पे बता देते हैं, क्लॉक मिलती है, आरपीएम टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो बैटरी से पावर ले रही है हाइब्रिड जो इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड बोला गया है इंजन को वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि को ड्राइवर सीट जो है यहाँ पे इसके नीचे आपको जो मिल जाती है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको एक बैटरी दिख रही होगी, वो बैटरी इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का जो फंक्शन है वो करती है। साथ ही साथ एक चीज़ और अगर आप नोटिस करें तो एसी वेंट्स जो दे रखे हैं इसके अंदर वहाँ क्रोम लाइनिंग आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है, और साथ ही साथ ऑन एंड ऑफ का आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है। मतलब अगर आपको एसी ऑन करना है ऑफ करना है वो आपके ऊपर है, हजार्ड का आपको बीच में स्विच मिल जाता है, काफ़ी अच्छी जगह प्लेस कर रखा है। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ आ जाती है इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, कुछ लोग कहेंगे कि टाइम के साथ बहुत छोटी है ये, बट मैं कहता हूँ यार आपको कितना ही देखना होता है इसके अंदर, मेजरली मैं ड्राइवर की बात करूँ, वो जितना इसके अंदर देखेगा रोड से डिस्ट्रैक्शन होगी या एक्सीडेंट होगा। बहुत लोग तो इनफैक्ट जानबूझ के बेस मॉडल लेते हैं चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, उनका कहना ये है कि ये स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट करती है हाईवे पे रोड पे चलते हुए, क्योंकि आप इसकी तरफ बार बार देखते हो, तो जितना ये छोटी हो उतना ही है बेटर है। और एक डिसेंट साइज़ में आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है जो एक इफ़ेक्टिव आपको स्क्रीन रेशियो भी देगी, और जो भी आपको बेसिक चीज़ें देखनी है एंड्रॉयड ऑटो एपर कारप्ले उसके लिए 7 इंच की स्क्रीन मेरे हिसाब से ठीक है। अपना अपना ओपिनियन है, जो कार ऑफर जो कार ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं वो अच्छी बातें कर रहे हैं। MG जैसे पूरा 10 इंची की टैबलेट ही दे दी उन्होंने, रियलिटी में ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर ही लगा दिया और टिल्ट करके, तो वो एक चीज़ अलग है, जो ऑफर करता है वो करने दे, बट मारुति प्रैक्टिकल रहती है, वो ज़्यादा फीचर्स भी नहीं डालती। ऐसा नहीं है कि डाल नहीं रही, ग्रैंड विटारा उनका आज के डेट में प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट
ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे ये बुरा नहीं लगता देखने में, एक अच्छा डिसेंट फिनिशिंग दे रहा है, ज़्यादा बड़ा भी ना ऑड सा लगता है, ऐसा लगता है बाहर से लगवाया, तो ये काफ़ी अच्छा इंटीग्रेटेड फिनिशिंग दे रहा है, दोनों तरफ आपको इसके अंदर क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, सिल्वर लाइनिंग। अगर मैं बात करूं स्पीकर क्वालिटी की तो आपने सुन ही लिया होगा, ज़्यादा मैं बजा नहीं सकते तो कॉपीराइट आ जाएगा। नीचे अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक जो अच्छा फीचर इसके अंदर मिलता है ना सियाज के अंदर, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, कप होल्डर्स खोलने के लिए आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यूएसबी ऑक्स सॉकेट भी मिल जाता है आज की डेट पे, जहां कंपनीज ऑक्स सॉकेट हटा देती हैं तो वहां पे आपको इसके अंदर ऑक्स सॉकेट मिल जाता है कंपनी की तरफ से, और ऐसा कुछ बंद करके एक लीनियर डैशबोर्ड आपको यहां पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूं रिवर्स गियर की, तो रिवर्स गियर अगर हम एंगेज करते हैं तो ऐसा कुछ कैमरा क्वालिटी हमें यहां पे मिल जाती है, डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है, कोई बुराई नहीं है इस कैमरा क्वालिटी के अंदर, आराम से आप इसको बैक कर सकते हो चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिशिंग इसके अंदर हमें दे रखी है, 5 फीट का आपको इसके अंदर मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, जो आर्मरेस्ट जो इसके अंदर हैंड ब्रेक मिलती है वो क्रोम लाइनिंग के साथ मिल जाती है, क्रोम टिप के साथ, और जो आर्मरेस्ट है इसके अंदर वो हमें स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ नहीं मिलती। अगर मैं बात करूँ तो स्पेस इसके अंदर ज़रूर से मिल जाती है, और साथ ही साथ टॉप मॉडल के अंदर हमें सीट कवर्स प्रॉपर लेदराइट मिल जाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करवाने की ज़रूरत, एक शोरूम से आप इसके अंदर मैट डलवाओ और ये कार रेडी टू रोल है हाईवे पे चलने के लिए, ट्रिप्स पे इंजॉय करने के लिए, क्योंकि रियलिटी में जो सेडान्स कार होती है ना वो ज़्यादातर आपको मज़ा हाईवे पे ही देंगी, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे आप आराम से इसको क्रूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें पेडल्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं, डेड पेडल ज़रूर से मिल जाता है यहाँ पे मैनुअल वेरिएंट में भी, ताकि एक आराम से आप कंफर्टेबल राइड एंजॉय कर सकें। नीचे की तरफ एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, अगर आप देख रहे होंगे येलो कलर की रिफ्लेक्शन तो पीछे की तरफ प्लेस्ड है, और दोनों साइड आपको येलो एम्बिएंट लाइट मिल जाती है जो टाइम के साथ ऑफ हो जाती है, जलती नहीं रहती। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो ऑटो डिम मिरर यहाँ पे हमें मिल जाता है, और सेंटर में हमें इसके अंदर हेलोजन लैंप मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर हमें मिल जाता है, बेसिक यूटिलिटी के सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। को ड्राइवर साइड इसके अंदर हमें सनवाइजर में मिरर मिल जाता है लैंप के बिना, और ड्राइवर साइड इसके अंदर हमें सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, मिरर नहीं मिलता। तो ये कुछ था इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके अंदर, हेडरेस्ट हमें चारों के चारों एडजस्टेबल मिल जाते हैं, प्रॉपर लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर साइड सपोर्ट भी है कि आपको एक आराम से लाइक अच्छी राइड कम्फर्ट ऑर्डर करें, और अगर हम देखें तो लंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग ट्रिप पे आपको आसानी होगी, और एक अच्छी चीज़ ये है कि हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट भी हमें दे रखी है अगर आप देखें तो, ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हर किसी की हाइट अलग अलग होती है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे रूफ में हमें ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट टच के साथ आ जाते हैं। तो ये कुछ था इसका फ्रंट से लुक, काफ़ी प्रीमियम मुझे लगी है पर्सनली, अगर मैं बताऊं आपको फीचर्स के मामले में और सिटिंग के मामले में, कंफर्ट है, स्पेस है, सब कुछ अच्छा है। अगर मैं एयर फ्लो की भी एक बार बात करूं तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर हमें एयर फ्लो भी मिल जाता है, तो ये कुछ ऐसा एयर फ्लो मिलता है, माइक ज़रूर कैप्चर कर रहा होगा, तो ये एयर फ्लो ज़रूर से हमें यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर। तो कुछ खासियत तो है एटलीस्ट सियाज के अंदर, आज भी प्रीमियमनेस पूरी है। अगर आप ये बोलें कि मैं प्रीमियमनेस की वजह से सियाज को नहीं ले रहा तो ये मेरा मानना गलत होगा, क्योंकि सियाज के अंदर आपको प्रीमियमनेस पूरी मिल जाती है। तो एक बार रेयर लुक चेकआउट करते हैं इस कार का कि रेयर में क्या कंफर्ट आपको और स्पेस मिल जाती है। तो रेयर का डोर भी सेम आगे की तरह मिल जाता है, सॉफ्ट टच प्रॉपर लेदर ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है, वुडन का आपको यहाँ पे लाइनिंग मिल जाती है, सिल्वर लाइनिंग मिलती है, अनलॉक का आपको क्रोम में लीवर मिलता है, पावर विंडो आपको मिल जाती है, 1 लीटर की पानी की बॉटल प्रॉपर मिलती है, और एक आपको डॉक्यूमेंट स्पेस मिल जाती है, स्पीकर आपको मिल जाता है, कोएक्सियल है, ट्विटर नहीं है पीछे की तरफ। अगर मैं रेयर कम्फर्ट की बात करूँ तो बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है कप होल्डर के साथ, ऐसी कुछ आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको कप होल्डर के साथ मिल जाती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट्स भी इसके अंदर हमें ऑफर कर दी जाती हैं, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं, प्रॉपर एक काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाती है, दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हमें यहाँ पे मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी एक स्पेस हमें यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। अगर मैं बात करूँ लंबर सपोर्ट की पीछे भी तो काफ़ी अच्छा लंबर सपोर्ट है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स आपको मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, लॉन्ग ड्राइव पे आपको बार बार चार्जिंग की भी दिक्कत यहाँ पे नहीं महसूस होगी, और साथ ही साथ एक लग्जरी प्रीमियम फीचर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपको शेड्स प्रॉपर मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, कि अगर पीछे वाले पैसेंजर्स का पूरा एक प्रीमियमनेस का ध्यान रखा गया है मारुति की तरफ से कि आपको एक प्रॉपर प्रीमियमनेस मिले कार के अंदर, और कम से कम जो सनलाइट है वो आए, दोनों साइड ही इसके अंदर हमें जो लैंप्स मिलते हैं रात को रीडिंग लैंप्स वो हमें दोनों साइड अलग अलग मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो अब ग्रैंड विटारा के सनरूफ वाले मॉडल्स में डाल दिया गया है, ये मैंने उस वाली वीडियो में भी कहा था। तो ये कुछ था इसका इंटीरियर का लुक और क्या इसके अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं।
तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड कि क्या इसके अंदर हमें फीचर्स, कंफर्ट और क्या स्पेस हमें ऑफर कर दिया जाता है सियाज के टॉप मॉडल के अंदर, अल्फा मॉडल के अंदर। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आपको अपनी कार का रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन है, आप उस पर मेल कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमें कोलैब करके एक अच्छी डिटेल रिव्यू बनाएंगे आपकी कार का या आपकी बाइक का। तो चलते हैं, इसके साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।